आपको कोड क्लियर है कि एक बार फिर से बता दूं कोड? डीडीए का कोड क्लियर है और आपको एक बार समझना है. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. चलिए इसमें आप स्लैश एन लगा दीजिए तो आपको एकदम हर बार क्लियर समझ में आ जाएगा. और इसमें आप स्लैश टी भी लगा दीजिए, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू. ठीक है, एक बार इसको हम रन कर लेते हैं. फ्रॉम 00 to 2020, राइट? देखिए आपकी सारी वैल्यू आ गई, क्लियर है? आपको वैसे तो वैल्यू प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, यह तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा करा है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा एल्गोरिथम किस एंड तक सही चल रहा है. हमें तो सिर्फ ये जो लाइन प्रिंट हो रही है ना रेड कलर की, उससे मतलब है कि ठीक है 00 से 2020 तक हमारी जो लाइन है वो एब्सोल्युटली बन रही है, हमें तो सिर्फ उससे मतलब है. पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हमारी वैल्यूज जो है वो हर एक एंड पर कैलकुलेट होके ही प्लॉट हो रही है. जैसे हम पेन और पेपर पे प्लॉट करते हैं वैसे सिमिलर मैनर पे जो है वो इस पे भी प्लॉट हो रही है ना? तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करें आप, वो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है. चलिए तो इस पे हम एस प्रिंट एफ लगा लेते हैं. एस प्रिंट एफ के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर जो पहले क्लासेस में नहीं था उसके लिए बहुत एडवांटेज है. क्या आपको एस प्रिंट एफ में फिर से बता रही हूं, एस कैरेक्टर पॉइंटर एरे हमने ले लिया के नाम का और इसकी साइज दी है 10. 10 क्यों दिए, एक्स वन वाई वन के लिए 5 साइज और एक्स टू वाई टू के लिए दूसरी 5 साइज. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा लीजिए एस प्रिंट एफ. ठीक, एस प्रिंट एफ लगाया और सबसे पहले एस प्रिंट एफ में सबसे पहली वैल्यू में हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम बफर की वैल्यू देते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे के ऑफ 0 isn't it. फिर उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसको हम डबल कोट्स में लिख देते हैं. तो परसेंट डी कॉमा परसेंट डी और कॉमा लगाकर हमें वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर, एक्स वन की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू. इतनी बार मैं बता चुकी हूँ एस प्रिंट एफ की, मुझे खुद को भी अब तो रटा गया तुम्हारी क्लास में बता बता के. देन एस प्रिंट एफ, फिर आपको 5 वैल्यू आपकी यूज हो गई, 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2, 3 और 4, 4 तक की वैल्यू यूज हो गई आपकी. तो अब आप लिखेंगे के 5 से, के 5 से वापस से आप वही लगाएंगे ब्रैकेट परसेंटेज ऑफ डी, फिर कॉमन लगा के परसेंटेज ऑफ डी. ठीक है, इसको हम एज इट इज जैसे आपको प्रिंट करवाना है. और यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो कौन सी करवानी है, आपको एक्स टू की और वाई टू की वैल्यू प्रिंट करवानी है. तो आप इस तरह से यहाँ पर एस प्रिंट एफ जो है लगा देंगे और एस प्रिंट एफ के साथ आपको लगाना पड़ेगा आउट टेक्स्ट एक्स वाई. और आउट टेक्स्ट एक्स वाई का मीनिंग भी आपको पता है, सबसे पहले देते हैं एक्स की वैल्यू, फिर देते हैं वाई की वैल्यू और उसके बाद देते हैं बफर की वैल्यू. तो सबसे पहले लिखेंगे गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स वन, है ना, क्योंकि हमारा एक्स वन आता है पहले. और फिर गेट मैक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ वाई वन, क्योंकि वाई को हमेशा हम माइनस करते हैं. और यहां पर लगाएंगे के ऑफ 0 क्योंकि ये हमारी बफर की वैल्यू है. सिमिलर मैनर में आउट टेक्स्ट एक्स वाई, आउट टेक्स्ट एक्स वाई सिमिलर मैनर में करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ एक्स 2 और फिर कॉमा लगाएंगे गेट मैक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 और माइनस ऑफ वाई 2, क्योंकि ये हम हमारे इसको कोऑर्डिनेट को बीच में मतलब मिड पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं एंड के ऑफ 5 और सेमीकॉलन. तो इस तरह से हमारा जो एस प्रिंट एफ फंक्शन है वो भी अब आपका करेक्ट चलना चाहिए. ठीक, तो हमारा एंड पॉइंट हो जाएंगे 00 एंड 100 एंड 100. अच्छा, ये तो लाइन बड़ी हो गई हमारी,
नो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं. वेट अ मिनट, मैंने सेव किया या नहीं थी, आई एम इन डाउट. अच्छा सेव था प्रोग्राम, दैट्स बेटर. कंट्रोल एफ नाइन. जीरो, ओ व्हाट इज दिस, इनफाइनाइट लूप होल.